रोनक स्टार्ट द सेशन। ओके प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग? हाउ यू गाइस, कैसे हो यार? हाँ, आई थिंक आप लोगों का दिन बड़ा अच्छा चल रहा होगा। सो मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं वेदांत नीट मेडिजी चैनल पे। हाउ यू गाइस, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका फेवरेट चैनल और आपका केमिस्ट्री का टीचर आपके सामने है। अभी आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉल्यूशंस, उसको हमें एक शॉट में खत्म करना है और उसके साथ साथ हम इसका मेंटी क्विज भी करेंगे। तो एक शॉट में पूरा सॉल्यूशन चैप्टर की थ्योरी खत्म करनी है प्लस इसके मेंटी की क्विज को भी करना है। तो अब क्या होगा, अगले 1 से 1.5 घंटे में आप लोग ना सिर्फ पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे, साथ ही साथ आप लोग अपना वन शॉट करने के साथ साथ मेंटी का क्विज यानी कि 10 बेहतरीन सवाल भी करोगे जो आपको बहुत ज्यादा काम देगा। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं वेदांतु नीट मेड इजी चैनल पे। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसको सब्सक्राइब कर डाला तो आप एक बड़ी सी फैमिली का हिस्सा बन डाला। सो गाइज सब्सक्राइब जरूर करो, है ना। सो चलो, यहां पर काफी बच्चे आ चुके हैं, मैं एक बार चाहता हूं कि मैं आप लोगों का नाम लूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूं तो एक बार चैट सेक्शन में जरूर लिखिए हाय। यहां पर शरीफ, अंकित, अंकित शरीफ हाय अंकित, हाउ आर यू। लीना, उसके अलावा है प्रभात, प्रतिमा, यहां पर और कौन है, रानी, मयंक, गौतम, प्रीत, और कौन है, अजय, चारू, अक्षिता, पल्लवी, ओके, सुजिता, साक्षी, विजय, बहुत सारे, गार्गी, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चा लोग, मैं आप लोगों के साथ बीच बीच में बात करते रहूंगा एंड आई थिंक आप लोग काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। सुबह बायो के सेशन, फिर फिजिक्स के सेशन और फिर उसके बाद अभी केमिस्ट्री के सेशन। आप लोग कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहें क्योंकि हम लोग बहुत ही बेहतरीन प्लान के साथ चल रहे हैं। हम लोग मॉर्निंग में आपको बायो करवा रहे हैं, आफ्टरनून में आप लोगों को फिजिक्स करा रहे हैं और इवनिंग में आप लोगों को केमिस्ट्री करा रहे हैं, जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा अच्छी तैयारी हो सके और आप एक टाइम टेबल को फॉलो कर सको। और हमने आप लोगों को एक टाइम टेबल भी दिया है उसको फॉलो करने के लिए। तो चलो, अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। और उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो काफी बच्चों को नहीं पता, वो ये है मेरे प्यारे बच्चों कि एक्चुअली होता क्या है, आप लोगों में से काफी बच्चे बोलते हैं कि हमें नोटिफिकेशन ही नहीं मिलता। सो अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वीडियो का, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नोटिफिकेशन मिलता ही नहीं वीडियो का, तो आप क्या करो मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो आपकी सबसे पहली समस्या है कि आपने कहीं ना कहीं सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया हुआ है। तो प्लीज आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ, यहां पर सब्सक्राइब का बटन दिया होता है उसको दबाओ। सब्सक्राइब के बटन दबाने के बाद आप लोगों को बेल आइकन के बटन को दबाना पड़ता है। बेल आइकन के बटन को दबाने के बाद है ना, वहां पर आपको 3 ऑप्शन दिखाएगा, उसमें से एक ऑप्शन होता है ऑल, उसको चुनना होता है। ऑल का मतलब क्या है कि आपको जितने भी वीडियो अब इस चैनल पर होंगे उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलेंगे। तो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि अगर आपने ये 3 स्टेप कर लिए तो आपका नोटिफिकेशन कोई मिस नहीं होगा, जो भी वीडियो होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब करो, फिर उसके बाद बेल आइकन के बटन को दबाओ और उसके बाद वहां पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऑल के बटन को दबाओ, तब जाके आपका काम सही होगा और आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिला करेगा, नहीं तो आप कोई ना कोई वीडियो और लाइव सेशन मिस कर दोगे। तो प्लीज आप एक काम जरूर करो। इसके अलावा गाइस 1 मिलियन की फैमिली हमारी हो चुकी है, सो थैंक यू सो मच, आप लोगों की बदौलत ही हो पाया, अदरवाइज हम लोग यहां तक नहीं पहुंचते। आप लोग इतना जो प्यार बरसाते हैं उसकी कीमत है ये, उसकी वजह से हम लोग यहां तक पहुंच पाए हैं। इसके अलावा गाइस वेदांतु आप लोगों के लिए लेके आया है, यस गाइस वेदांतु आप लोग के लिए लेके आया है, क्या जरा आप चेक करो, दैट इज नीट का क्रैश कोर्स। और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो फायदे बताता हूं। एक तो आप लोगों को 4 ऑनलाइन लाइव सेशन हर दिन के मिलेंगे, जिसमें से 2 बायोलॉजी के, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, 1.5 घंटे का सेशन होता है जिसमें आप लोगों को कंप्लीट रिवीजन कराया जाता है। 134 सेशंस, 20 फुल टेस्ट, 5 पार्ट टाइम टेस्ट आप लोगों को मिलते हैं और अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग सेशन दिए जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को रिकॉर्डिंग के भी फुल आप लोगों को एक्सेस दिया जाता है। और अगर आप वेदांतु की फैमिली में शामिल होना चाहते हैं और एक क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए ना एक खुशखबरी लेके आया हूं। आप लोगों को मैं देता हूं एक लिंक, दैट इज bd.io/needcc। आप इस लिंक पे जाइए और वहां पर ये कोड लगा दीजिए। इस कोड लगाते ही यहां पर आपके लिए एक मैजिक होगा। मैजिक क्या होगा, 24,000 का कोर्स आपको मात्र 5,999 रुपए में मिल जाएगा। ये मैजिक अगर आप लेना चाहते, क्रिएट करना चाहते हो, कोड को ध्यान रखना, ये कोड आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, bd.io/needcc, इस पे जाना है, अपने को एनरोल करना है, कोड लगाना है, वहां पर आपसे कोड पूछेगा, AANEET कोड लगा देना और उसके बाद देखो धमाका, आपको मात्र
5,999 रुपए में आप लोगों को नीट का क्रैश कोर्स करने को मिलेगा। इसके अलावा गाइस घर पे बैठ के आप बिल्कुल सेफली पढ़ाई कर सकते हो। हमारे ऐप को फटाफट से डाउनलोड कर लो, वहां पर जितने भी लेक्चर्स हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और ये आज के सेशंस हैं, सुबह गरिमा के सेशन हुए थे 9 से 11, 9 बजे और 11 बजे। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप जाके देखो। उसके बाद 12:30 बजे और 1:30 बजे गौरव सर के सेशन थे, वो भी देखना। इसके अलावा 5 बजे अंकिता मैम का सेशन हुआ था, और अब 7:15 बजे मेरा सेशन है, और उसके बाद 9 बजे सेशन है, और उसके बाद 10 बजे सेशन है। इस तरह से हम लोग तैयारी करा रहे हैं। चलो फटाफट से सॉल्यूशन चैप्टर को शुरू करते हैं। वन शॉट में हम लोग खत्म करेंगे इसको, मेंटी का क्विज भी करेंगे। मेरे बच्चन होता क्या है एक्चुअली? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो सब्सटेंसेस का। होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है जैसे घर पे आप शिकंजी बनाते हो, चाय बनाते हो, वो होमोजेनियस मिक्सचर होती है। आपने कभी चाय का सिप लिया है? बड़े प्यार से लिया होगा आपने चाय का सिप। चाय यहां से आप ले लो, एक चम्मच चाय निकाल लो यहां से, चाय आप नीचे से एक चम्मच चाय निकाल लो, आप कहीं से भी निकाल लो, आपको मैं कह रहा हूं आपको जो चाय की सिप मिलेगी ना, टेस्ट आएगा वो एकदम सिमिलर आएगा। तो जब एक ऐसा मिक्सचर जहां से आप कहां से भी आप टेस्ट करके देख लो, आप हर जगह से टेस्ट करके देखो, आपको सेम टेस्ट मिले, आपको रंग भी सेम मिले, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम मिले, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। और एक्चुअली वो सब्सटेंसेस जिससे वो बनता है उसको हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। सबको क्लियर हो गया? सॉल्यूट क्या होता है? माइनर होता है, मतलब उस सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे सॉल्यूट कहते हैं, और सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसके सॉल्वेंट कहते हैं। जनरली हम लोग सॉल्वेंट के तौर पे पानी को इस्तेमाल करते हैं, और सॉल्यूट के तौर पे कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि हम लोग यहां पर नमक को इस्तेमाल कर रहे हैं, इज इट क्लियर? उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजेनियस मिक्सचर। कॉपी पेन लेके बैठ जाना और एक चीज को नोट डाउन कर लेना, एक होमोजेनियस मिक्सचर जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हर जगह से सेम होती है। बट होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? यस, सेम फेज होता है, एवरीथिंग इज सेम, आपको कहीं भी कुछ भी डिफरेंस मिलेगा ही नहीं। अब हम जरा चेक करें कि क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन का कैसे होता है। देखो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के कितने लिए हैं। अगर आपने टोटल कंपाउंड दो ही लिए हैं, एक सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है, तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। बट अगर आपने एक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एक सॉल्वेंट लिया और बाकी दो सॉल्यूट लिए हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। बट अगर आपने एक सॉल्वेंट लिया है लेकिन सॉल्यूट तीन तीन लिए हैं, आपके जो आप चाय बनाते हो उसमें क्या क्या डालते हो? आपकी मम्मी को चाय बनाते देखना, आपकी मम्मी चाय में पहले पानी डालेगी, तो पानी इज लाइक सॉल्वेंट, उसके बाद ऊपर से क्या डालती है? दूध डालती है, दूध आपका सॉल्यूट हुआ बेटा। इसके अलावा शुगर डालती है, शुगर आपका सॉल्यूट हुआ। इसके अलावा इलायची और तुलसी के पत्ते डालेगी, तो इलायची और तुलसी के पत्ते क्या हुए? सॉल्यूट हुए। तो हमेशा किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सिर्फ एक ही होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? बाकी सारे के सारे सॉल्यूट होते हैं। आपके चाय के अंदर जो आपने दूध डाला, जो शुगर डाली, जो चाय की पत्ती डाली, जो आप लोगों ने इलायची डाली, जो तुलसी के पत्ते डाले, वो सारे के सारे सॉल्यूट है, सॉल्वेंट सिर्फ एक ही है, वो पानी है। अब वो डिपेंड करता है आपने टोटल सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी ली। अगर टोटल ली दो तो बाइनरी, तीन ली तो टर्नरी, चार ली तो क्वार्टनरी। ज्यादातर हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन को रीड करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसीलिए कहते हैं कि सॉल्वेंट की मात्रा एक ही रहती है और बाकी जितने भी होते हैं वो सॉल्यूट होते हैं। इज दिस क्लियर? सब लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहां पर आप लोगों को एक और बढ़िया चीज बताता हूं। जो सॉल्यूशन की फेज है, सॉल्यूशन की फेज एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? यस, वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, क्योंकि सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसका जैसा फेज होगा सॉल्यूशन का फेज भी वैसा ही होगा। जैसे कि आप देखो यहां पर सॉल्यूशन का फेज क्या है? गैस। क्यों है? क्योंकि सॉल्वेंट का फेज क्या है? गैस। यहां पर सॉल्यूशन का फेज क्या है? लिक्विड। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट का फेज क्या है? लिक्विड। यहां पर सॉल्यूशन का फेज है सॉलिड। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट का फेज है सॉलिड। अब इस तरह से आपके पास अलग अलग एग्जांपल बनते हैं, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में जो पूछा जाता है वो होता है जब आपके पास सॉल्यूशन कैसा हो। जरा आप चेक करना, इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने किससे डील किया है? इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने डील किया है यहां पर लिक्विड सॉल्यूशन से डील किया है, हमें बाकी से मतलब नहीं है, हमने इनसे डील ही नहीं किया। मैं क्रॉस कर देता हूं, यहां पर पूरे चैप्टर में लिक्विड सॉल्यूशन से डील किया है, जिसके अंदर आपका जरा चेक करना सॉल्वेंट कैसा है, हमेशा लिक्विड के जैसा है। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूट गैस हो सकती है, सॉल्यूट लिक्विड हो सकती है, सॉल्यूट सॉलिड हो सकती है। अब मान लो कि आपने सॉल्यूट आपने गैस लिया और सॉल्वेंट आपने लिक्विड लिया, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? ऑक्सीजन डिजोल्व इन वॉटर। आपको सबको पता है कि ऑक्सीजन कैसी होती है? गैस होती है, और आपने उसको क्या कर रखा है? वाटर में डिजोल्व कर रखा है। इसी तरह से मान लो अगर आपने लिक्विड लिया, लिक्विड को लिक्विड में डाल दिया, तो
उसका एग्जाम्पल क्या होगा, इथेनॉल आपने पानी में डाला, और मान लो अगर आपने सॉलिड को लिक्विड में डाला तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि ग्लूकोज या फिर NaCl को आपने पानी में डाला। इस तरह के सॉल्यूशंस हमारे तैयार होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहां पर सोल्यूट की क्वांटिटी को दिखाने के लिए कि भैया आपने, अगर आपको कोई घर पे पूछे कि तुमने चाय बनाई बड़ी अच्छी बनाई कैसे बनाई, तो पूछेगा भैया आपने चीनी कितनी डाली, आपने चाय पत्ती कितनी डाली, तो मतलब आपको स्पेशली वो किसमें इंटरेस्टेड होता है, वो सोल्यूट की क्वांटिटी में इंटरेस्टेड होता है। आपके घर पे आपकी शर्मा जी की आंटी आ गई, उसकी प्यारी सी बेटी भी आ गई, और आपने चल के चाय बनाई, शर्मा जी वाली आंटी को बड़ी पसंद आई, तो ऑब्वियसली उनकी बेटी को भी पसंद होते। बेटा सोल्यूट की क्वांटिटी में, सोलवेंट की क्वांटिटी में इंटरेस्टेड नहीं होते। कितना पानी डाला कोई नहीं पूछता, ऐसा होता है कभी चाय बनाते पूछते बेटा कितना पानी डाला, कोई नहीं पूछता, वो पूछेगा कितना चीनी डाला, कितना चाय पत्ती डाला। तो सोल्यूट की क्वांटिटी को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का मतलब ये होते हैं जो कि सोल्यूट की क्वांटिटी को बताता है सोल्यूशन में, और वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कौन सी होती है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मास बाई परसेंटेज, वॉल्यूम बाई परसेंटेज, ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम, पार्ट पर मिलियन, मोलैलिटी, मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी होने को, ये सारी है, जरा आप चेक करो। और इनमें से सवाल बहुत पूछे जाते हैं, और ये जितने भी है आपके पास वो सबके सब आप कहां पढ़ते हो, आप अपने 11th क्लास के पहले चैप्टर में पढ़ लेते हो, है ना। सो अब हम लोग आगे चलते हैं, जरा आप चेक करो। अब हम एक एक टर्म को फटाफट से खत्म कर लेते हैं। सबसे पहले आपका मोल फ्रैक्शन आता है, जिसको आप एक्स से लिखते हो। अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल लेने और टोटल मोल्स उसको आपको डिवाइड कर देना है। बहुत सिंपल है, इज दिस क्लियर। और यहां पर मजे की बात यह है, जैसे कि मान लो आपके पास एक कंटेनर है, उसमें आपने ऊपर से ए डाला है और यहां से आपने बी डाला है, तो आपने ए और बी दो डाले, और मान लो ए के मोल्स एन ए है, बी के मोल्स एन बी है। मैं अगर आपसे कहूं कि टोटल मोल्स कितने हैं तो आप क्या बोलोगे, एन ए प्लस एन बी, सही है। तो अब अगर मान लो मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, तो आप क्या करोगे, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, इस तरह से निकाला जाता है। सबको समझ में आया। मजे की बात यह है कि आप जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनके मोल फ्रैक्शन का टोटल हमेशा कितना होता है, वन, यानी कि यस एक के बराबर होता है। यह आप लोगों को ध्यान रखना, एक काम आएगा। अब आते हैं मास परसेंटेज में, वे बहुत आसान है। देखो मास परसेंट में आपको हमेशा न्यूमिनेटर में सोल्यूट का मास लेना पड़ता है, और यहां पर डिनोमिनेटर में सोल्यूशन का मास लेना है। ये मास परसेंटेज का मतलब ये है, मास बाई मास, ऊपर और नीचे मास है। लेकिन अगर आप पूछे वॉल्यूम परसेंटेज, तो ऊपर भी वॉल्यूम है और नीचे भी वॉल्यूम है। ऊपर वॉल्यूम किसका लेंगे, सोल्यूट का, नीचे वॉल्यूम किसका लेंगे, सोल्यूशन का। और अगर कोई पूछे मास बाई वॉल्यूम, तो ऊपर मास लेना है, और हमेशा ऊपर किसकी बात करते हैं, सोल्यूट की, नीचे वॉल्यूम लेना है, और नीचे किसकी बात करते हैं, सोल्यूशन की। ये तो बेहद आसान है, कोई बच्चा भी समझ जाएगा। उसके बाद पार्ट पर मिलियन का खेल क्या है, जैसे अगर आप परसेंटेज निकालते हो तो क्या करते हो, वो होता है पर सेंट, सेंट का मतलब होता है 100, पर 100। अब यहां पर क्या बोल रहा है, पर मिलियन, तो आपको सिर्फ 100 की जगह किससे मल्टीप्लाई करना होता है, मिलियन से। भगवान करे आपकी सैलरी मिलियन में हो, तो 10^6 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी फॉर्मूला सेम है। जैसे कि अगर कोई बोले कि वेट बाई वेट ppm निकालो, कैसे निकालोगे, आपको ऊपर क्या लेना है, वेट ऑफ सॉल्यूट, क्लियर हुआ, ध्यान से देखना, नीचे क्या लेना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो सिमिलर है जो मैंने आपको बताया, इनटू ppm में क्या करना है, 10^6 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। सबको समझ में आया। चलिए अब आगे चलते हैं। मोलैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, जो बहुत आसान भी है। मोलैलिटी में आप न्यूमिनेटर में लेते हो सॉल्यूट के मोल्स, न्यूमिनेटर में आपको सॉल्यूट के मोल लेने होते हैं, डिनोमिनेटर में आपको सॉल्वेंट का वेट लेना होता है केजी में। यहां पर ऊपर सॉल्यूट, ये पहली ऐसी टर्म है आपको जहां पर डिनोमिनेटर में आपको सॉल्वेंट लेना पड़ता है। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, दिस इज दी ओनली टर्म, ये पहली ऐसी, वन एंड ओनली, दिस इज दीपिका पादुकोण, ऐसे याद रख लो भैया। तो दिस इज वन एंड ओनली, दिस इज दीपिका पादुकोण। यहां पर नीचे आपको डिनोमिनेटर में पहली बार आपको सॉल्वेंट देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको डिनोमिनेटर में कभी भी सॉल्यूशन के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आया समझ में? तो अगर कोई बोल दे यहां पर यूनिट क्या है मोलैलिटी की, दैट इज मोल पर केजी, क्योंकि ऊपर मोल लेते हो सॉल्यूट के, नीचे लेते हो वेट, तो मोल पर केजी इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। मोलैलिटी आपको मालूम पड़ गया, अब हम पढ़ेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी में सिर्फ इतना फर्क होता है कि ऊपर तो आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही लेते हो, यहां पर कोई फर्क नहीं है, लेकिन नीचे आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हो, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट डाउन कर लो। और इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, दिस इज यू हैव टू फोकस ऑन।
अब हम चलते हैं नॉर्मैलिटी की तरफ। नॉर्मैलिटी मोलैरिटी के जैसा ही होता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि मोल की जगह यहां पर इक्विवेलेंट लिए जाते हैं और नीचे आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इक्विवेलेंट क्या होता है आप बताओ, मोल क्या होते हैं? मोल होते हैं गिवन मास बाई मोलर मास। तो इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। यहां पर मोलर मास की जगह क्या लिया जाता है? इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास को आपको एन फैक्टर से डिवाइड करना होता है। एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है? एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है? एसिड के लिए एन फैक्टर जितने वो एच प्लस आयन देगा वो उसका एन फैक्टर है। बेस के लिए एन फैक्टर क्या होता है? बेस के लिए एन फैक्टर होता है जितने वो OH- एक्वस सॉल्यूशन में देगा वो उसका एन फैक्टर है। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबको समझ में आया? तो वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं इसको, इसको एन फैक्टर भी कहते हैं। अगर आप लोगों को बताते हैं अपन यहां पर नॉर्मैलिटी के केस में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जरा आप इसको चेक कर लो। एसिड के केस में एन फैक्टर निकलता है एच प्लस आयन जितने वो देगा उस हिसाब से एन फैक्टर। जैसे कि मान लो अगर कोई पूछे कि HCl का एन फैक्टर कितना है, 1, क्योंकि एक ही एच प्लस आयन देगा। मैं पूछूं आपसे NaOH का एन फैक्टर कितना है तो आप बोलोगे 1, क्योंकि वो एक ही OH- आयन देगा। बेस के केस में नंबर ऑफ OH- जितने देगा। सोल्ट के केस में कैसे निकालते हैं? सोल्ट के केस में जितना उस पर पॉजिटिव और जितना नेगेटिव चार्ज हो। जैसे कि मान लो आपके पास NaCl है और अगर कोई पूछे बताओ इसका एन फैक्टर कितना है, तो NaCl सबसे पहले सोल्ट है, इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाल लो या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज निकाल लो, क्योंकि सोल्ट एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है। तो इन दैट केस आपको सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना है। एन फैक्टर कभी भी प्लस और माइनस नहीं होता। एन फैक्टर यहां से कैसे पॉजिटिव ही होता है हमेशा और ये 1 से शुरू होता है। इसके अलावा अगर आयन का कोई पूछे कि आयन का एन फैक्टर कितना होता है, जितना उस पर चार्ज की मात्रा होती है। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास लिखा हुआ Fe+2, Fe+2 का एन फैक्टर कितना होगा? सिंपल है, 2। याद रखो कि एन फैक्टर कभी भी प्लस और माइनस नहीं होता, एन फैक्टर एक नंबर है। जैसे चार्ज के ऊपर जो नंबर लिखा वही उसका एन फैक्टर है। अगर कोई पूछे रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर कैसे निकलता है, जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या जितने वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वैसे उसका एन फैक्टर निकलेगा। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट। अब चलते हैं और आगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि यहां पर डिल्यूजन लॉ क्या होता है, ये भी काम आता है। डिल्यूजन लॉ का मतलब आपने क्या किया, आपके पास ऑलरेडी एक सॉल्यूशन था। मान लो ना आपके घर पे, सपोज करो कि आपके घर पे कोई ऐसा रिश्तेदार आ गया, वो रिश्तेदार आपको बिल्कुल नहीं पसंद। मान लो आपकी शर्मा जी, गुप्ता जी या मौसी के अंकल, मौसी के आंटी आ गए, जो एकदम वो क्या करते रहते हैं, बेटा तेरे कितने नंबर आए, बेटा फ्यूचर में क्या करेगा, बेटा पढ़ क्या रहा है। तो ऐसे लोगों से हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है जो छेड़ते रहते हैं आपको। अब मान लो कि आपको एक दिन बड़ी टेंशन हो गई, आपके घर में आ गए शर्मा जी, गुप्ता जी, जिनके लड़के हमेशा पहला नंबर ले गया था, जिसका सिलेक्शन हो गया। अब आपको उस चीज से नफरत है। अब मान लो वो आ गए तो आप क्या करोगे, गुस्से में क्या करोगे, एक ऐसी चाय बनाओगे जिसमें खूब सारी चीनी डाल दोगे, जरा सोचो। या फिर ऐसा एक मीठा पानी बनाया जिसमें खूब सारी चीनी डाल दी आपने, जरा समझना। आपने एक मीठा पानी बनाया जिसमें खूब सारी चीनी डाल दी और गुप्ता जी को पिलाने पहुंच गए। समझ में आ रहा है? गुप्ता जी को पिलाने पहुंच गए ताकि गुप्ता जी बार बार ये सवाल नहीं पूछे, मेरे बेटे का तो सिलेक्शन हो गया, तेरा क्या हुआ कालिया। तो अब क्या किया, गुप्ता जी को पिलाना था वो मीठा पानी ताकि वो खूब सारी शुगर उसमें डाली और पी के भाग जाए यहां से। समझ में आ रहा है? या फिर चाय में आपने नमक डाल दिया। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, अगर आपने मीठा पानी में खूब सारी शुगर डाल दी और गुप्ता जी को पिलाने की कोशिश कर रहे हो, तो अब मान लो आपकी मम्मी बीच में आ गई, मम्मी ने कहा पहले मैं टेस्ट करूंगी कैसा बना है क्योंकि मेरा बेटे ने बनाया है, और टेस्ट करा, मम्मी को चक्कर आ गए, मम्मी नीचे गिर गई, मम्मी लगा ये करम जले तूने क्या बनाया है, इतना ज्यादा चीनी डाल दी तूने। समझ में आ रहा है? तो अब मम्मी क्या करेगी, जरा सोचो। आपने एक ऐसा मीठा पानी बनाया, जरा सोचना, आपने एक ऐसा मीठा पानी बनाया भाई साहब जिसमें आपने क्या किया, बहुत ज्यादा शुगर डाल दी। शुगर मान लो आपने एक गिलास में आधा किलो शुगर डाल दी, आधा किलो शुगर डाल दी, एक गिलास में आधा केजी शुगर डाल दी। अब आपकी मम्मी को तो चक्कर आने लग गए, अब बेइज्जती हो जाएगी। तो मम्मी अब क्या करेगी, इस शुगर को मैनेज करने के लिए मम्मी ऊपर से क्या डालेगी, पानी। मम्मी ऊपर से पानी डालेगी। मम्मी ऊपर से पानी क्यों डाल रही है, क्योंकि शुगर की जो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन है उसको कम किया जा सके। इसी को क्या बोलते हैं, डिल्यूशन। वहां पर आपने क्या शुगर की क्वांटिटी को चेंज किया क्या? नहीं। शुगर पहले भी आधा किलो थी, बाद में भी आधा किलो है। आपने क्या बदला, आपने पानी की क्वांटिटी को चेंज किया, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन को बदला। तो पहली कॉन्सेंट्रेशन और बाद की कॉन्सेंट्रेशन में फर्क है, जरा आप समझो। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन में फर्क है, लेकिन क्या शुगर के मोल्स में फर्क है? नहीं है। शुगर के जो पहले मोल थे और शुगर के जो बाद में मोल थे वो सेम है।
शुगर तब भी आधा किलो थी, बाद में भी आधा किलो है, तो शुगर के मोल तो सेम है। मोल कैसे निकालते हैं आपको जरा चेक करना, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल बाई वॉल्यूम। तो यहां पर मोल कैसे निकाला जाता है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। आपने चेंज क्या किया, आपने कॉन्सेंट्रेशन चेंज करी, मोल अभी भी सेम ही है। तो आप जब मोल निकालते हो, पहले मोल कितने थे, दैट इज इनिशियल मोलैरिटी इनिशियल वॉल्यूम, बाद में मोल कितने हो गए, फाइनल मोलैरिटी फाइनल वॉल्यूम। इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि जब आप डिल्यूजन लॉ लगाते हो तो आपको M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2 लगाना होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली एंड नंबर ऑफ मोल्स फाइनली सेम है। तो वहां पर इसलिए आप फॉर्मूला लगाते हो M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, ये इसको डिल्यूजन लॉ बोलते हैं। अब यहां पर जरा मान लो कि दो आपने दो कंटेनर है जिनके अंदर सॉल्यूशन, और उनको आप लोगों ने मिक्स करके किसी तीसरे कंटेनर में डाल दिया। इन दैट केस आपको मिक्सिंग लॉ लगाना होता है। तब तीसरे कंटेनर में जो आपने, मैं ऐसे मान लेता हूं कि इसकी मोलैरिटी 1 है M1 है और इसकी वॉल्यूम V1 है, इसकी मोलैरिटी M2 है, इसका वॉल्यूम V2 है। इन दैट केस फाइनल मोलैरिटी क्या निकल के आएगा, दैट इज M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। ए फॉर्मूला लिखा हुआ मिक्सिंग लॉ के लिए, और जिसने प्रैक्टिस कर रखी उसको अच्छे से आता है। अब अपन आते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, एक्चुअली और है क्या कॉन्सेंट्रेशन के अलावा। कॉन्सेंट्रेशन के अलावा आपको वोलेटिलिटी पढ़ाई जाती है, आपको रोल्ट लो पढ़ाया जाता है, आपको हेनरी लो पढ़ाया जाता है, आपको RLVP पढ़ाया जाता है, आप लोगों को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ाया जाता है। तो ये आपके सॉल्यूशन के टॉपिक है। तो अब आपका सॉल्यूशन चैप्टर शुरू होता है। तो अब आपको ध्यान से देखना है, इसके पहले तक जितना भी था आपने मोल कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी पढ़ रखा है मेरे प्यारे बच्चों। आता है सबको समझ में, दैट इज रियली ऑसम। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लोग हेनरी के लो को पढ़ेंगे। हेनरी लो बेसिकली किस में काम आता है, हेनरी लो जब आप कोई गैस को किसी सॉल्वेंट में मिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, और यहां पर एक गैस और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हो। जरा आप चेक करना, जब आप किसी गैस को सॉल्वेंट में मिक्स करने की कोशिश कर रहे हो और उससे एक सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, इन दैट के सबसे पहली बात तो यह है कि थर्मोडायनेमिकली इसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू लेस देन जीरो होता है, मतलब यहां से हीट बाहर निकलेगी। पहली चीज तो यह आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आप गैस को क्या कर रहे हो, लिक्विड में घोलने की कोशिश कर रहे हो, तो गैस की एनर्जी बाहर निकलेगी, तभी तो गैस लिक्विड में घुलेगी। दिमाग लगाओ, गैस का मॉलिक्यूल नीचे कब आएगा, जब उसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम कैसे होगी, जब एनर्जी वो बाहर फेंक देगा। एनर्जी बाहर फेंकेगा तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जरा आप चेक करना, नाउ दिस इज डेल्टा एच, इसके लिए क्या होता है, हमेशा लेस देन जीरो होता है, आप लोग ध्यान रखना, और गैस कभी भी नहीं घुलेगी। अब इसका मतलब क्या हो गया, गैस को सोलवेंट में अगर आप लोगों को घोलना है तो ये एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, दिस इज एक्सोथर्मिक। और मान लो कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या गैस घुलेगी लिक्विड में, कभी नहीं घुलेगी, ताता थैया करके उड़ जाएगी। आ गया सबको समझ में। अब हेनरी लो इसी के ऊपर काम करता है। हेनरी लो कहता है कि आप किसी गैस पे जितना प्रेशर बनाओगे उसके उतने ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन लिक्विड में घुलेंगे। आप गैस ज्यादा प्रेशर बनाओगे उसके उतने ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन लिक्विड में घुलेंगे। तो कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस प्रेजेंट इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। जितना प्रेशर अप्लाई करोगे मोल फ्रैक्शन उतने ज्यादा घुलेंगे। तो यहां पर हेनरी का लो निकल के आता है, दैट द प्रेशर इज इक्वल्स टू, यहां पर प्रेशर जो भी अप्लाई किया है आपने, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। तो इसकी अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो यहां पर कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, और इसी कॉन्स्टेंट को हेनरी कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो फाइनली पी इक्वल्स टू क्या आया, KH × X, ये है आपका हेनरी लो। यहां पर बड़ी सिंपल सी बात है, जो भी आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है मोल फ्रैक्शन, आप लिख लो कॉपी के अंदर, मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, इसी को बोलते हैं एक्स, जो बहुत बच्चों को पता नहीं है। केएच का मतलब क्या होता है, बेटा केएच का मतलब होता है हेनरी कॉन्स्टेंट। अब हम चलते हैं और आगे, आप हेनरी को अप्लाई कहां करते हो, हेनरी लो को अप्लाई किया जाता है, जरा आप चेक करो, इट मींस लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। बेसिकली ये एप्लीकेबल है आपके ब्लड में ऑक्सीजन, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, वहां पर जितने प्रेशर से आप क्या करते हो, जितने प्रेशर से आप सांस लेते हो, जिससे ऑक्सीजन अंदर जाता है, बेसिकली वो अंदर जाके ऑक्सीजन कहां घुलता है, आपके ब्लड के साथ, वो एक्चुअली कैसे घुलता है, प्रेशर की वजह से, और वहां पर आप हेनरी लो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको पता होगा जो आपके स्विमर होते हैं जो अंदर गैस का वो लेके जाते हैं, उस पर भी आप हेनरी लो अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है, तो ये एप्लीकेशन पार्ट है हेनरी लॉ का। जैसे कि आप सॉफ्ट ड्रिंक में क्या करते हो, CO2 गैस को घोलते हो, सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 गैस को घोलना, ये भी हेनरी लॉ की एप्लीकेशन है। नाउ दिस इज रियली वेरी स्कूबा डाइवर जो आप अपने पीछे बेसिकली क्या करते हैं, अपने पीछे जो सिलेंडर लेके घूमते हैं ऑक्सीजन का, उसमें भी हेनरी लॉ एप्लीकेबल है। इज दिस क्लियर? अब हम चलते हैं रोल्ट लॉ की तरफ, जहां पर हेनरी लॉ आप एक स्पेशल एक गैस लेते थे और उसको लिक्विड में घोलने की कोशिश करते थे, उस पर आप हेनरी अप्लाई करते थे। रोल्ट लॉ अप्लाई किस पे करते हो? रोल्ट लॉ अप्लाई करते हो जब एक वोलेटाइल लिक्विड होता है आपके पास। यही फर्क होता है हेनरी और रोल्ट में, क्या फर्क है, यही सबसे बड़ा फर्क है कि रोल्ट के अंदर आपके पास एक वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल लिक्विड की खुद की वेपर होगी, वोलेटाइल लिक्विड की खुद की वेपर होगी। आ रहा है सबको समझ में? अब ये वेपर क्या करेगा, इस लिक्विड के ऊपर वेपर प्रेशर बनाएगा, इसी के ऊपर रोल्ट लॉ लिखा गया है। रोल्ट लॉ ये कहता है द वेपर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपाउंड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड इन लिक्विड फेज। अब यहां पर सबसे पहला फर्क तो ये है कि रोल्ट लॉ अप्लाई किया जाता है एक वोलेटाइल लिक्विड पे जिसमें खुद की वोलेटाइल गैस उसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये कहता है कि जो यहां पर वेपर प्रेशर अप्लाई कर रही है ये वोलेटाइल गैस, ये जो वेपर प्रेशर अप्लाई कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कितने मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है। ये सेम चीज हेनरी ने बोली थी और यही सेम चीज वो भी बोल रहा है। बस दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि हेनरी अलग से गैस लेता था और लिक्विड वोलेटाइल नहीं होता था। रोल्ट में क्या फर्क है, रोल्ट में आप लोगों को वोलेटाइल लिक्विड लेना जो खुद अपनी गैस पैदा करता है, और वो जो गैस जो उसने पैदा करी वो कितना प्रेशर बनाएगी वो डिपेंड करेगा कि भैया लिक्विड स्टेट में कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है। बहुत सिंपल है बात, ये कि कहने के तरीके अलग अलग हैं हेनरी और रोल्ट के, दोनों के। सबको समझ में आया? अब यहां पर क्या किया रोल्ट ने क्या किया, दो यहां पर सब्सटेंसेस लिए। यहां पर एक उसने सॉल्यूट लिया ए जिसका प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर पी ए नोट है, एक सॉल्वेंट लिया बी जिसका प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर पी बी नोट है। दोनों के दोनों वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है आपको पता है? आपका पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल सूंघने में बड़ा मजा आता है, पेट्रोल वोलेटाइल होता है। अगर आपने ढक्कन खोल दिया तो पेट्रोल उड़ जाएगा कुछ करके, तो फाइनली पेट्रोल वोलेटाइल होता है। तो यहां पर ये दोनों के दोनों वोलेटाइल लिक्विड लिए और भाई साहब ने क्या किया, किसी तीसरे बर्तन में दोनों को आपने मिक्स कर दिया। दोनों को मिक्स किया तो यहां पर अब जब वेपर बनेगी तो वो दोनों के मॉलिक्यूल होंगे उसके अंदर, इस ए के भी मॉलिक्यूल होंगे और इस बी के भी मॉलिक्यूल होंगे। तो यहां पर जो टोटल प्रेशर बनेगा वो किस किस की वजह से बनेगा, वो आपके पास पी ए के मॉलिक्यूल की वजह से भी बनेगा, पी बी के मॉलिक्यूल की वजह से भी बनेगा, ए के मॉलिक्यूल की वजह से बनेगा, बी के मॉलिक्यूल की वजह से बनेगा। टोटल प्रेशर अगर आप काउंट करोगे तो वो इन दोनों के प्रेशर के, इंडिविजुअल प्रेशर के समेशन के बराबर होगा। इतनी सी कहानी लिखी और फाइनली उसने इसको सोल्व किया है, तो ये जो फॉर्मूला निकल के आता है टोटल प्रेशर का, दैट इज टोटल प्रेशर इन, जब आपके पास दोनों के दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स हो तो टोटल प्रेशर निकल के आता है, दैट इज पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इनटू एक्स बी। नाउ दिस इज वेरी सिंपल एज वेल, आपने कुछ नहीं किया, आपने टोटल प्रेशर पीटी की वैल्यू कैसे निकाली है, पी ए प्लस पी बी से। पी ए की वैल्यू क्या होती है, अभी आप हेनरी लॉ पढ़ के आए थे, पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज पी ए नॉट, आप हेनरी लॉ का कांस्टेंट की जगह आपकी इसकी प्योर सिचुएशन की वेपर प्रेशर लगा देते हो, साथ में क्या लिखते हो, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, इसी को बोलते हैं। जरा आप चेक करो, ये डॉल्टन का लॉ है, जरा आप चेक करना, पी ए इज इक्वल टू, और ये सेम चीज डॉल्टन लॉ नहीं है, ये सेम चीज हेनरी ने बोली थी कि यहां पर जो भी प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ में आपने KH की जगह क्या ले लिया, PA नॉट, बस सिर्फ इतना ही फर्क है। तो PA की वैल्यू किसके बराबर है, PA की वैल्यू बराबर है PA नॉट इनटू XA। PB की वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज PB नॉट इनटू XB। अब मजे की बात यह होती है कि आपको PA नॉट और PB नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होती है, बस ये P और PB की वैल्यू उठा के आप टोटल प्रेशर निकाल सकते हो, इसका फॉर्मूला निकालना बेहद आसान है। चलिए अब फाइनली मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूं, अगर आप डोल्टन लॉ पे फोकस करो जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था, तो वो ये कहता है कि अगर आपको किसी भी गैस का प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालोगे, आपको उसके मोल फ्रैक्शन लेने हैं कि गैस के मोल फ्रैक्शन कितने प्रेजेंट है, उस मोल फ्रैक्शन को इस चैप्टर में वाई से लिखा जाता है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को लिखने का तरीका होता है या तो आप वाई से लिखो या एक्स से लिखो, तो उस मोल फ्रैक्शन या तो वाई से लिखा जाता है या एक्स से लिखा जाता है और साथ में टोटल प्रेशर को लिया जाता है। तो यहां पर आप देखो डॉल्टन लॉ ये कहता है कि किसी भी गैस का प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फॉर्म इनटू क्या करना पड़ता है, टोटल प्रेशर।
तो आप जरा चेक करो यहां पर, अगर आप डोल्टन लॉ लगाते हो तो डोल्टन लॉ के हिसाब से पीए का जो प्रेशर बन रहा है वो क्या है, दैट इज वाई ए इंटू पीटी। अब वाई ए क्या है, वाई ए जरा आप चेक करना, मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां पर आपने क्या किया, जरा आप चेक करना, यहां पर आपने वोलेटाइल लिक्विड लिया हुआ है। अब वोलेटाइल लिक्विड में एक्स ए, तो यहां पर चेक करो मोल फ्रैक्शन है ए के लिक्विड फॉर्म में, और वाई ए मोल फ्रैक्शन है यहां पर गैसियस फॉर्म में, जरा आप चेक करना। तो आपके जो डोल्टन लो है वो तो इस पे लगता है, और आपका जो रोल्ट लो है वो इस पे लगता है। आप बहुत बच्चों को नहीं पता, ये जो वाई ए उस पर तो आप डोल्टन लो लगाओगे, और एक्से पर क्या लगाओगे, आप रोल्ट लो लगाते हो। बात एक ही है। अब यहां देखो जरा आप चेक करना, पीए की वैल्यू क्या होगी, वाई ए इंटू पीटी, पीबी की वैल्यू क्या होगी, वाई बी इंटू पीटी। और आपके जरा आप चेक करो, आपने यहां पर क्योंकि है तो दोनों प्रेशर, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को बराबर रख सकते हो। ये देखो नीचे नीचे जो लिखा हुआ है, ये किसके थ्रू आया, रोल्ट लो के थ्रू, ये किसके थ्रू आया, डोल्टन के लो के थ्रू, दोनों बराबर है क्योंकि दोनों प्रेशर सेम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये किसने बताया, रोल्ट ने, ये किसने बताया, ये बताया डोल्टन ने, और दोनों के दोनों प्रेशर सेम है। सबको समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली इन दोनों प्रेशर को सेम रख के आप क्या कर सकते हो, कई कैलकुलेशंस कर सकते हो जो सवाल में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा ग्राफ का बता देता हूं। यहां पर जो ग्राफ है वो थोड़ा ढंग से नहीं बना हुआ, लाइनें इधर उधर हो गई, कुछ नहीं है। रोल्ट का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो इन दैट केस आपको यहां पर क्या लेना होता है, वेपर प्रेशर, और यहां पर क्या लेना होता है, मोल फ्रैक्शन। इसका ग्राफ देखो, यहां पर टोटल कितनी इक्वेशन है, यहां पर एक इक्वेशन तो ये है, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इन टू एक्स ए। ये क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स से इसका कंपैरिजन कर सकते हो। ये एक लाइन का इक्वेशन है, तो ये पहली लाइन हो गई। एक इक्वेशन आपके पास pb इज इक्वल टू pb नॉट इन टू एक्स बी, ये भी एक लाइन की इक्वेशन है, तो यहां पर ये दूसरी लाइन हो गई। और अगर आप दोनों को जोड़ दो तो आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो इन दोनों ग्राफ को अगर आपने जोड़ दिया तो ये आपके पास रोल्ट लो पूरा बन गया, ये मतलब निकलता है इसका। ये आपके पास रोल्ट लो कुछ इस तरह से आता है। अगर जो भी लिक्विड या जो भी सॉल्यूशन रोल्ट लो को फॉलो करता है उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप जरा चेक करो, यहां पर ग्राफ में आपको दिखा देता हूं। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पी ए को। ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पी बी को। और यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल प्रेशर को, ठीक है। फटाफट से यहां पर रिप्रेजेंटेशन करवा रहा हूं। अब हम चलते हैं, सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। तो बेटा सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं। पहला तो होता है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें ए और बी का इंटरेक्शन, ए ए के इंटरेक्शन और बी बी के इंटरेक्शन के बराबर होता है। मतलब जरा समझो, आपने एक कंटेनर लिया जिसमें ए और ए सिर्फ यही मॉलिक्यूल है, एक कंटेनर लिया जिसमें बी और बी सिर्फ यही मॉलिक्यूल है। बट आपने अगर मान लो कि इन दोनों को किसी तीसरे में डाल दिया तो आपके पास अब क्या होगा, ए और बी टाइप के मॉलिक्यूल बनेंगे। Yes, तो अब यहां पर रोल्ट लो के हिसाब से आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जितना इंटरेक्शन यहां पर है और जितना इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां भी, उसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि रोल्ट लो को पूरी तरह से फॉलो करे, जो उसके ग्राफ को पूरी तरह से फॉलो करे। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जहां पर एंथैल्पी मिक्स करने के बाद एंथैल्पी में चेंज आए ही नहीं, वो एंथैल्पी का चेंज जीरो हो, उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो वहां पर डेल्टा एच का वैल्यू जीरो होना चाहिए। यहां पर जरा फिर से चेक करो, आइडियल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जहां पर अगर आप मिक्स करते हो तो वॉल्यूम में भी चेंज कितना होना चाहिए, जीरो। ना तो उसकी एंथैल्पी में चेंज आएगा, ना ही उसकी वॉल्यूम में चेंज आएगा। इसका एग्जांपल क्या है जरा आप चेक करो, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या है, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन। आइडियल सॉल्यूशन का मैं एक तरीका बताता हूं याद करने का। इसको याद करने का तरीका क्या है कि यहां पर जो नाम होंगे ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर से दिखेंगे, जैसे कि एनहेक्सेन एनहेप्टेन, जैसे कि क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, नाम एक जैसे से है, जैसे कि इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड, नाम एक जैसे से है, जैसे कि CCl4 SiCl4 एक जैसे से है। मतलब जरा देखो स्ट्रक्चर को गौर से देखो, ये एक जैसे है, इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड या फिर बेंजीन और टोल्यूइन, ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। सबको समझ में आया। एक होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो दो तरह के होते हैं भैया, एक जो रोल्ट लो को फॉलो करे वो आइडियल सॉल्यूशन, जो रोल्ट लो को फॉलो ना करे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। रोल्ट लो को फॉलो ना करेगा उसका मतलब क्या है, देखो ये रोल्ट का ग्राफ होता है जानते हो, और अगर मान लो उसको फॉलो ना करते वो ऊपर से चला जाए ग्राफ, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब वो ऊपर की तरफ है, डेविएट हो रहा है। और अगर मान लो उसको फॉलो नहीं कर रहा, मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, पता है आपको टॉपर की खास बात क्या होती है, टॉपर की खास बात यह होती है कि जब तक वो पूरा पढ़ नहीं ले, जब तक वो पूरा रिवीजन नहीं कर ले, तब तक उसको सांस नहीं आती।
यहां पर बच्चे 650 देखना शुरू करेंगे, जब चैप्टर खत्म होने लगता है तो वो 550 ही रह जाते हैं, 100 बच्चे चले जाते हैं। ऐसे बच्चे जो जो जिनकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, जिनकी सिटिंग नहीं है, जिनमें पेशेंस नहीं है, वो कभी टॉपर नहीं बनते। इसलिए आप पूरे चैप्टर को ध्यान से देखा करो, बीच बीच में से जाने से कोई फायदा नहीं है। समझ में आया? अब आता है अपन पॉजिटिवली डेबिटेड का मतलब क्या होता है। पॉजिटिवली डेबिटेड का मतलब समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आएगा आपको समझ में। आप देखो, ये रोल्टलो का आपका टोटल प्रेशर का ग्राफ था। अब एक्चुअली पॉजिटिवली डेबिटेड का मतलब है कि ग्राफ ऊपर से जा रहा है। ऊपर से जाने का मतलब क्या है कि वेपर ज्यादा बन रही है। जरा आप चेक करो, वेपर यहां पर बहुत ही ज्यादा बन रही है। अगर वेपर ज्यादा बन रही है तो आप खुद ही सोचो इसका मतलब क्या हुआ। वेपर आसानी से बन रही है, इसका मतलब ए बी को पसंद नहीं करता। ए और बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा नहीं है तभी तो ये आसानी से टूट गए और वेपर ज्यादा बन रही है, इसलिए तो ये पॉजिटिवली डेविएटेड है। अगर आपने इतनी सी बात याद कर ली तो आपका काम हो गया। यहां पर कहता भी यही है। जरा आप चेक करो, ए और बी के इंटरेक्शन वीकर है एज कंपेयर टू ए ए और बी बी। आया समझ में? ये रोल्ट लो को फॉलो नहीं करता, ये ऊपर की तरफ से जाता है। ये पॉजिटिवली डेविएटेड का फर्क होता है। ये देखो ग्राफ ऊपर की तरफ से जाएगा, समझ में आया? और यहां पर क्योंकि ये पॉजिटिवली डेविएटेड है तो इसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू भी क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा वी का वैल्यू भी क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। इसको याद करना। ये देखो, ये रोल्ट का ग्राफ है, उसमें से जो ग्राफ है बेसिकली नीचे से जा रहा है। नीचे का मतलब वेपर कम बन रही है, वेपर प्रेशर कम है। वेपर प्रेशर कम, इसका मतलब क्या है, ए और बी एक दूसरे को बेहद मोहब्बत करते हैं, बेहद प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं कि इनको तोड़ ही नहीं पा रहे हो, तुम तोड़ ही नहीं पा रहे, इसलिए वेपर कम बन रही है। तो यहां पर यही पहला पॉइंट है कि ए और बी के बीच में इंटरेक्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ये रोल्ट को फॉलो नहीं करते, ये नेगेटिवली डेविएटेड है क्योंकि बहुत प्यार करते एक दूसरे से। इस तरह से ग्राफ आएगा। क्योंकि ये नेगेटिवली डेविएटेड है, इसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू जीरो से कम आएगा, डेल्टा वी का वैल्यू भी जीरो से कम आएगा। इससे आसान सवाल तो होंगे ही नहीं, इसको आसानी से समझा जा सकता है। अगर कोई पूछे कि नेगेटिवली डेविएटेड का सर एग्जाम्पल बताओ, तो दिस इज एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिवली डेविएटेड, गौर करो। जैसे कि क्लोरोफॉर्म और एसेटोन। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, और एसेटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C(O)CH3। ये दोनों मिलके नेगेटिवली डेविएटेड है, मतलब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। वो इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे से क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इसका हाइड्रोजन इसके साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से यहां पर वेपर इतनी आसानी से नहीं बनती, इसलिए नेगेटिवली डेविएटेड है। जैसे कि क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, जैसे कि क्लोरोफॉर्म और डाइएथाइल ईथर, जैसे कि एसिटिक एसिड एंड पिरिडिन, ये एसिड है वो बेस है। जैसे कि H2O और HCl, सबको पता है H2O आसानी से HCl में घुल जाता है। जैसे कि H2O एंड HNO3, जैसे कि एसेटोन एंड एनिलीन। ये एग्जांपल आप याद कर लेना, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एसेटोन और एलिन का एग्जाम्पल काफी बार पूछा गया और ये नेगेटिवली डेविएटेड होता है। अब हम चलते हैं और आगे। फाइनली आपका रोल्ट लो जो है उसमें एक और पॉइंट होता है आरएलवीपी। आरएलवीपी का मतलब क्या होता है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। होता कुछ यूं है कि मान लो आपने ना क्या किया, एक वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया जो कि वोलेटाइल है। अब अगर मान लो कि आपने यहां पर गलती से, वोलेटाइल का मतलब ये लिक्विड फॉर्म में तो रहता ही है, ये लिक्विड फॉर्म में तो रहता ही है क्योंकि ये वोलेटाइल है, तो ये सॉलिड यहां पर गैसियस फॉर्म में भी रहेगा। क्योंकि ये वोलेटाइल है तो यहां पर ये गैस फॉर्म में भी रहेगा। अब आपने क्या किया, उससे जोर जबरदस्ती करी, आपने क्या किया, ऊपर से आपने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। क्या डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। नॉन वोलेटाइल मतलब जो सॉल्यूट वोलेटाइल नहीं होता, जैसे कि शुगर डाल दी। मान लो अगर आपने इसके अंदर शुगर डाल दी तो इसकी जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगी, इसकी वेपर प्रेशर कम हो जाएगी, और इसी को हम लोग बोलते हैं आरएलवीपी। तो यहां पर वेपर प्रेशर कितनी कम हुई, उसी को बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और वो किस पे डिपेंड करती है, जितना आपने सोल्यूट डाला, आपके सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है। आरएलवीपी इज इक्वल्स टू सोल्यूट मोल फ्रैक्शन। क्योंकि आपने सोल्यूट डाला इसी वजह से वेपर प्रेशर कम हो गया, तो इसी को बोलते हैं आरएलवीपी इज डायरेक्टली इक्वल्स टू एक्सबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सबी कैसे निकालते हो, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, इस तरह से निकाला जाता है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। और मान लो देखो, ये एक्सबी का वैल्यू है। मान लो कि यहां पर मैं आपसे कह दूं कि जो एनबी का वैल्यू बेसिकली जो आपको दिख रहा है, एनबी जो कि सॉल्वेंट है, ठीक है,
एनबी का वैल्यू यहां पर मान लेते हैं कि एनए के वैल्यू से एनबी मतलब एनबी आपके पास क्या है, एनबी आपके पास सॉल्यूट है, एनबी आपके पास सॉल्यूट है, और अगर सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट से बहुत कम हो तो आप यहां पर एनए प्लस एनबी को क्या लिख सकते हो, सीधे एनए लिख सकते हो क्योंकि एनबी की वैल्यू बहुत कम है। तो यहां पर आरएलवीपी को थोड़ा चेंज करके लिखा जा सकता है, ये बहुत आसान है। तो आरएलवीपी का मतलब क्या होता है, कितना आपका वेपर प्रेशर में कमी आया, पहले कितना था कमी कितना आ गया अपॉन पहले कितना था, ये किसके बराबर होगा, एक्सबी के। एक्सबी को आप लिख सकते हो द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा भी लिख सकते हो। और ये कब लिख सकते हो, जब आपके सॉल्यूट के मोल बहुत ही कम हो, अगर सॉल्यूट के मोल कम है तो नीचे सिर्फ सॉल्वेंट के मोल से डिवाइड करके काम चल जाएगा। अब हम चलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि सॉल्यूट की क्वांटिटी पे ही डिपेंड करती हैं। ध्यान से समझना, इट डिपेंड्स ओनली ऑन सॉल्यूट क्वांटिटी, कि आपने सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी ऐड करी। आया सबको समझ में? तो ये सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, जरा आप चेक करो, इसी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार तरह की होती है, जिसमें से पहली पढ़ ली आपने आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप अभी पढ़ के आए, आरएलवीपी आपने पढ़ ली। पहली प्रॉपर्टी होती है आरएलवीपी जो आपने पढ़ ली। दूसरी प्रॉपर्टी है यहां पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा टीबी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ। और चौथी प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग पाई कहते हैं। सबको समझ में आया? तो ये यहां पर चार प्रॉपर्टीज है, जिसमें से एक आरएलवीपी आपने पढ़ चुके हैं। वो आरएलवीपी को कैसे लिखते हैं, आरएलवीपी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब आरएलवीपी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वेपर प्रेशर प्योर कंडीशन में कितना था, फिर आपका वेपर प्रेशर कितना कम हो गया, डिवाइडेड बाय पहले प्योर कंडीशन में कितना था, इसी को बोलते हैं आरएलवीपी। किसके बराबर है, एक्सबी के, इसी को आरएलवीपी कहते हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले उसके लिए आपको बॉइलिंग पॉइंट को समझना पड़ता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जरा आप चेक करो, टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ, यस एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि जब आपके पास किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, जब आपके पास किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटीएम होता है। जब आपके पास किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हो जाए तो वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि मान लो आपके पास है ना एक प्योर सॉल्वेंट था, आपने उसको गर्म करते गए और प्रेशर चेक करते गए, फाइनली उसका प्रेशर जैसे ही 1 एटीएम हुआ तो उस पॉइंट पर जरा आप चेक करो, जो भी आपके पास टेम्परेचर है उसी को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो कैसे आया, आप क्या करो, वाटर को हीट करो, जैसे हीट करते 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 वाटर की वजह से जो स्टीम बन रही है उसका वेपर प्रेशर अगर 1 एटीएम के बराबर हो जाए तो बस उस टाइम पे जितना टेम्परेचर है वही उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट इतना हो गया। अब आपने क्या किया, गलती से आपने उसके अंदर एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, आप एक सोल्यूट ऐड कर दो, आपने सोल्यूट डाला तो अचानक से क्या हुआ, जरा आप चेक करो, ये सॉल्वेंट है, ठीक है, आपने जैसे ही सोल्यूट डाला तो वो सॉल्यूशन बन गया, तो उसका अचानक से वेपर प्रेशर कम हो गया क्योंकि अब आरएलवीपी पढ़ के आए हो। क्योंकि आप जब भी कोई लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब अगर आपने इसको हीट किया तो धीरे धीरे करते करते आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं 1 एटीएम के बराबर प्रेशर होगा। इस टाइम पे आपका देखो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, तो आपके पास जो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आया है डेल्टा टीबी, वो किसके बराबर, दैट इज टीबी माइनस टीबी नॉट। ये बहुत बच्चों को नहीं पता होता, टीबी माइनस टीबी नॉट, इसी को बोलते हैं हम लोग, यस दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका फॉर्मूला देखो, टीबी माइनस टीबी नॉट याद रखना, ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, ये आपका सॉल्वेंट का है और ये आपका सॉल्यूशन का है। फाइनली आपका देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, पहले बॉइलिंग पॉइंट इतना था इस पॉइंट पर, अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। अब ये क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब यहां पर अगर आप निकालना चाहो कि डेल्टा टीबी की वैल्यू किसके बराबर है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना आपने सॉल्यूट ऐड किया है। उस केस में आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या लेनी होती है, मोलालिटी याद रखना, और इसकी प्रोपोर्शनलिटी साइन इट आते हो तो आप एक कॉन्स्टेंट लगाते हो जिसको बोलते हैं एबुलिस्कोपिक कॉन्स्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों को नाम याद नहीं होता, यहां से दिक्कत हो जाती है उनको। अगर मैं मोलालिटी की वैल्यू 1 रख दूं तो डेल्टा टीबी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सीधे केबी के बराबर हो जाएगी, जो आप लोगों को ध्यान रखनी है।
वाटर के लिए केबी का वैल्यू रटना नहीं है, ये आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा, पर इसकी वैल्यू 0.52 केल्विन केजी पर मोल होती है। और केल्विन केजी पर मोल एक्चुअली यहां पर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का यूनिट है। कई बार आप लोगों को मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का यूनिट ही डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले तो हम लोग समझे कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। जब किसी सॉलिड का वेपर प्रेशर किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, जरा आप चेक करना, सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसी को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब आप जरा चेक करो, यहां पर जरा आप चेक करना, ये ना सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट गैस से कहां जा रहा है, लिक्विड की तरफ। गौर से चेक करना, ये सॉल्वेंट गैस से कहां जा रहा है, ये लिक्विड की तरफ। ठीक है, और ये सॉल्वेंट है यहां पर, ये सॉलिड से कहां जा रहा है, लिक्विड की तरफ। ये दोनों आपस में जिस पॉइंट पर काटेंगे वही उसका क्या है, वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। आया सबको समझ में? तो अब आप चेक करो, ये तो था सॉल्वेंट का केस। अब अगर मान लो आपने सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूशन लिया, तो आपको पता है सॉल्यूशन के साथ पंगा ये होता है कि सॉल्यूशन का एकदम से वेपर प्रेशर घट जाता है। तो एकदम से वेपर प्रेशर घटता है तो अब उसका ग्राफ नीचे बन रहा है। आया सबको समझ में? तो इस तरह से उसका जब आप देखो बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ता है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट उसका घट जाता है पहले के मुकाबले। आया सबको समझ में? नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जितना फ्रीजिंग पॉइंट घटा, अब देखो ये ऐसी चीज थी जहां पर बच्चों के यहां पर हालत पतली हो जाती है, बच्चे भाग जाते हैं, मेंटी अभी कराएंगे बेटा इसको तो पूरा कर ले। तो फाइनली फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। यहां पर जरा आप चेक करो, जो डेल्टा टीबी के लिए आपने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, के बी इंटू स्मॉल एम। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला भी सेम ही है, दैट इज के एफ इंटू स्मॉल एम। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, यहां पर ये किसके बराबर है, दैट इज टीबी माइनस टीबी नॉट, क्योंकि टीबी की वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि वहां एलिवेशन होता है। ये किसके बराबर है, ये टीएफ नॉट माइनस टीएफ होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू फॉर्मूलाज। अगर आपको ये पता है तो आपके सवाल कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है इसलिए आपने ज्यादा से कम को घटाया, यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट घटता है इसलिए आपने ज्यादा से कम को, प्योर से इंप्योर को घटाया। और ये चीज बहुत कम बच्चों को पता होती है, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लेना। अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। तो देखो होता कुछ यूं है, अगर आपने मान लो कि कंटेनर लिया, ये कंटेनर आपने ले लिया, इस कंटेनर में आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, जिसमें एक तरफ तो आपने किसको भरा हुआ है, सॉल्वेंट को, और दूसरी तरफ आपने किसको भरा हुआ है, सॉल्यूशन को। तो होगा कुछ यूं कि सॉल्वेंट के पार्टिकल छोटे होते हैं, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इधर उधर जा सकते हैं, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे कि चाय की छन्नी, आपके घर पे पड़ी हुई मम्मी जिसे चाय छानती है उसको चाय की छन्नी को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो चाय की छन्नी से कुछ चीजें पार होती हैं, कुछ चीज रुक जाती हैं। आपको पता होगा चाय की छन्नी से चाय पत्ती रुक जाती है, चाय चली जाती है। चाय क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में तो बाहर निकल गई। ऐसे ही सॉल्वेंट के पार्टिकल बड़े आसानी से बह जाते हैं। तो जहां पर अब बहते कहां से कहां है, जहां पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी वहां से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बहेंगे। अब बताओ सॉल्वेंट के पार्टिकल कहां ज्यादा है, प्योर सिचुएशन में ज्यादा है। मान लो ये प्योर है और ये तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के पार्टिकल कम होंगे, प्योर कंडीशन में ज्यादा होंगे। अब समस्या ये हो रही है कि प्योर कंडीशन से निकल निकल के सॉल्वेंट कहां जा रहा है, सॉल्यूशन की तरफ। क्यों, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को बहने देती है। अब हमारे साथ समस्या ये हो गई कि प्योर सॉल्वेंट निकल निकल के इंप्योरिटी की तरफ जा रहा, हमारे लिए तो समस्या हो गई। हमारे पास प्योर पानी था, वो निकल निकल के समंदर के पानी में डाल रहा है, तो हमारे पास पानी बचेगा ही नहीं। तो इसी को, ये जो फ्री फ्लो हो रहा है ना, जहां पर सॉल्वेंट का पार्टिकल आसानी से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बह बह के निकल रहे हैं, उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब अगर मान लो आपको ये नहीं चाहिए, आपको सॉल्वेंट को रोकना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर है ना प्रेशर लगाना पड़ेगा, लगाओ प्रेशर, जिससे ये जो सॉल्वेंट है बह बह के यहां नहीं आए। तो आपको ये प्रेशर जो लगा रहे हो जिससे इसका बहना बंद हो जाए, ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस बंद हो जाए, इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फाइनली एक ऐसा प्रेशर जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए, एक ऐसा प्रेशर जिसमें ऑस्मोसिस रुक जाए, उसी को बोलते हैं यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबको समझ में आया? और पाई का फॉर्मूला क्या होता है, वही जो आपके पास गैस फॉर्म में आपने पढ़ा था, याद है आप लोगों को, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़े हो। तो यहां पर पी क्या होता है, एन बाई वी आर टी, एन बाई वी को किससे लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, सी आर टी।
तो पी इज इक्वल टू सी आर टी, आप गैस फॉर्म में पढ़े थे, लिक्विड में भी यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। आर क्या है? गैस कॉन्स्टेंट। और टी क्या है? टेम्परेचर। मजे की बात है। अब मैं आपको देखो यहां पर, अगर आपने गलती से प्रेशर पाई से ज्यादा अप्लाई कर दिया, अगर आपने प्रेशर गलती से पाई से ज्यादा अप्लाई कर दिया तो सॉल्वेंट उल्टा बहना शुरू हो जाएगा। उल्टा मतलब यहां पर सॉल्यूशन से प्योरिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। भाई आपने प्रेशर लगा के रोक दिया तब तो बहना बंद हो गया, ऑस्मोसिस बंद हो गया। अगर आपने ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो सॉल्वेंट का पार्टिकल निकल निकल के कहां जाएगा? सॉल्वेंट, यहां पर सॉल्वेंट के पार्टिकल निकल निकल के प्योर कंडीशन में जाएगा, प्योर कंडीशन में जाएगा। इसी प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, जिसमें आपका आरओ काम करता है। आपके घर पे आरओ तो लगा होगा, आपके घर पे जो आरओ लगता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप नोट डाउन कर लेना। अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, पाई इज इक्वल टू सीआरटी, जिसमें आर का वैल्यू 0.0821 होता है, जो आपको यूज करना होता है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। यहां पर कुछ सॉल्यूशन होता है, सबसे पहला आइसोटोनिक, जिसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशंस उनको बोलते हैं जिनकी पाई की वैल्यू सेम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगर आपसे कह दूं सॉल्यूशन वन एंड सॉल्यूशन टू आइसोटोनिक है, इसका मतलब उनके पाई की वैल्यू सेम है। इस पे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। एक है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है? भाई पहला वाला सॉल्यूशन दूसरे वाले सॉल्यूशन से हाइपोटोनिक है, ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट इज हाइपोटोनिक टू सॉल्यूशन, हाइपो का मतलब कम, समझ में आ गया। तो पहले वाले सॉल्यूशन की पाई की वैल्यू कम है, हाइपो का मतलब पहले वाले सॉल्यूशन, ये लिखा है सॉल्यूशन फर्स्ट इज हाइपोटोनिक, तो इसका मतलब इसकी पाई की वैल्यू कम है। अगर आपसे लिखा हो हाइपरटोनिक, तो इसका मतलब सॉल्यूशन वन की पाई की वैल्यू दूसरे से ज्यादा है। हाइपर का मतलब ज्यादा होता है, हाइपो का मतलब कम होता है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं अपन वेंटो फैक्टर की तरफ। मैं आपसे कहूंगा कि वेंटो फैक्टर को सिर्फ एक चीज से याद रखो। वेंटो फैक्टर बेसिकली किस चीज में यूज होता है? वेंटो फैक्टर यूज होता है बेसिकली जब आप क्या करते हो, आपने क्या किया, वेंटो फैक्टर वहां यूज करोगे। मान लो आपने अपनी जान में तो डाला था एक, लेकिन अंदर जाके पता लगा कि दो हो गए। और हमको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। अब एक के दो हो गए तो भैया हमें तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी थी और हमने एक के हिसाब से करी, हमारी गलती है। मतलब अगर कोई अंदर जाके एक का दो हो रहा है तो डिसोसिएशन हो रहा है। और मान लो आपने अंदर डाले थे दो, जुड़ के हो गए एक। अब आपने तो अपनी जान में डाले थे दो और आपने दो के हिसाब से कैलकुलेशन करी थी, लेकिन ये भाई साहब अंदर जाके जुड़ गए और हो गए एक, और एक के हिसाब से कैलकुलेशन करनी थी, इसका मतलब एसोसिएशन हो गया। तो अब मैं बताता हूं उस केस में आपको क्या करना होता है। उस केस में आप लोगों को यूज करना होता है यस वेंट ऑफ फैक्टर आई। अब वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला देखो, ऑब्जर्व्ड बटाय कैलकुलेटेड। आई का फॉर्मूला क्या होता है? आपने क्या ऑब्जर्व किया है, कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करी है और आपने कैलकुलेट कितनी करी थी। कैलकुलेशन तो हमने पहले करी थी, बाद में पता लगा कि भाई साहब ये तो कुछ गड़बड़ है। तो अगर आपको याद करना है तो आपको समझाता हूं। एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू एक से कम होती है, क्योंकि एसोसिएट हो गए, आपके सोल्यूट के पार्टिकल तो जुड़ गए, तो इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी, इसका मतलब आई की वैल्यू कम होगी। और अगर मान लो डिसोसिएशन हो रहा है तो इसका मतलब टूट रहे हैं, सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, आई की वैल्यू एक से ज्यादा होती है। और अगर आपको वैल्यूज निकालनी है तो आपको मैं सीधे सीधे फॉर्मूले दे रहा हूं। पहला फॉर्मूला तो ये रहा, दैट इज आई इक्वल्स टू 1 अल्फा प्लस अल्फा बाई एन इन द केस ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन के केस में आई का फॉर्मूला होता है 1 अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। अल्फा क्या है यहां पर? यह है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एन क्या है? कितने आयन मिलेंगे, नंबर ऑफ आयंस। ये हो गया एसोसिएशन के केस में। डिसोसिएशन के केस में फॉर्मूला का याद करना है, बस आपको डिवाइड का साइन हटा देना, मल्टीप्लाई हो जाएंगे एन अल्फा। अल्फा क्या है यहां पर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एन क्या होगा यहां पर? ये होगा नंबर ऑफ आयंस। बस अब आप ये आई की वैल्यू को सारे फॉर्मूलों के आगे मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम हो गया। जैसे कि आपने देखा होगा डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला, आप लिखते हो के एफ इंटू एम, आपको आई से मल्टीप्लाई करना है। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होगा सीआरटी, बस आपको आई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आरएलवीपी का फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पीटी अपॉन पी नॉट विच इज इक्वल टू एक्सबी, आपको आई से मल्टीप्लाई करना है। आई निकालोगे कैसे? ये डिसोसिएशन के केस में होता है 1 अल्फा प्लस एन अल्फा, ये डिसोसिएशन के केस में होता है। एसोसिएशन के केस में होता है आई 1 अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, ये एसोसिएशन के केस में होता है। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। चलिए और मैं आपको बताता हूं एसोसिएशन का मतलब कहां होता है। जब आपने मान लो कोई बेंजोइक एसिड आपने बेंजीन में डाल दिया,
तो वो डाइमराइज हो जाते हैं, इस तरह से जुड़ जाते हैं। ये देखो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, इसको एसोसिएशन बोलते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना। चलो बच्चों मेरी तरफ से ये सारा थ्योरी अब हमने कर लिया है खत्म। अब मैं आप लोगों को कोड बताता हूं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मेंटी पे सॉल्यूशन के क्वेश्चन कर सकते हो मेरे साथ। तो बहुत ध्यान से आप चेक करोगे, प्लीज आप इसका आंसर दीजिएगा। कोड यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है, www.menti.com पे चले जाओ, 6954 एंड 21 कोड लगाओ और आ जाओ हमारे साथ सॉल्यूशन के क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो, क्योंकि अब बेहतरीन सवाल है। और अगर आपने ये कर लिया तो मैं कहता हूं आपसे, मैंने देखो मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक ना बाउल के अंदर चमेली के फूल डाल रखे हैं, ये चमेली है पता नहीं क्या है, चमेली होगा, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पता है इतनी प्यारी सी खुशबू है। आ हा हा, कोड बता रहा हूं आपको 6954 21, ये कोड लगाओ और आ जाओ फटाफट से खेल लें, क्योंकि अब हम लोग सॉल्यूशन के क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि अगर आप देखो, थ्योरी करने से कुछ होता नहीं है, मैंने आपको थ्योरी करा दी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज आप प्रैक्टिस जरूर कर लो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो प्लीज आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा। यहां पर 300 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, सो अगर आप ज्वाइन कर लो तो चैट में जरूर लिखना कि सर मैंने ज्वाइन कर लिया, मुझे पता कैसे लगेगा। तो प्लीज आप लोग एक बार चैट में जरूर लिखो कितने बच्चों ने ज्वाइन किया, जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहां पर काफी बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइन 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 फटाफट से लिखो। तो चलो मैं आपको पहला सवाल देता हूं, फटाफट से आप लोग आंसर देना, ऑलमोस्ट 400 बच्चे हो चुके हैं। तो आप प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा सवालों के प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों को मदद मिलेगी, ठीक है। चलो तो पहला सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले अपन सारे प्लेयर्स की वेट कर लेते हैं। कोड मैंने आपको दे दिया है 6954 21, ये कोड है, फटाफट से चले जाओ मेंटी पे और चलो स्टार्ट करते हैं क्विज को, ठीक है। चलो तो पहला सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जल्दी से ज्वाइन कर लो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट बच्चों, बहुत हेल्प करेगा। पहला सवाल, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, और इसके बाद मैं आपको बता देता हूं अभी थोड़ी देर बाद 2019 का जो नीट का पेपर है उसकी केमिस्ट्री के क्वेश्चन कराने वाला हूं अभी इसके जस्ट बाद वाले सेशन में। तो अगर आपको 2019 का पेपर के केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने हैं तो मेरे साथ आना मत भूलना, ठीक है। चलो तो यहां पर आप लोगों को पहला सवाल है कि 1.5 ग्राम ईच ऑफ टू सॉल्यूट एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई दो सॉल्यूट दे रखे हैं, उसका 1.5 ग्राम दे रखे हैं, उसको आपने 100 ग्राम सॉल्वेंट में डाला है, तो इसमें से कौन सा वाला ट्रू है। अब देखो कितने बच्चों ने गलती करी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 67 बच्चों ने सही आंसर दिया है। आपको एक बात बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहां पर लिखा है बोथ सॉल्यूशन एक्स एंड वाई सेम टेम्परेचर पे बॉइल होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के। अब आपके पास क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट तो सिमिलर है, आपको अगर यहां पर आपको मैंने कितनी बार बताया जरा आप चेक करना, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। यस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। क्या वो उसके मोलर मास पे डिपेंड करती है, नहीं, सॉल्यूट की क्वांटिटी पे ही अगर डिपेंड करती है तो आपकी सॉल्यूट की क्वांटिटी तो आपको 1.5 ग्राम दे रखी है एक्स और वाई के लिए दोनों के लिए, तो उसका सेम टेम्परेचर पे वो बॉइल होगी, अलग अलग टेम्परेचर पे क्यों बॉइल होगी, गलती कर गए ना तुम लोग। तो आंसर यहां पर आएगा बोथ सॉल्यूशन एक्स एंड वाई बॉइल एट सेम टेम्परेचर, अलग अलग नहीं आएगा आंसर, यहां पर ये आएगा। गलत बात है, आप लोगों ने सवाल को ध्यान से पढ़ा ही नहीं, और फिजिकल केमिस्ट्री से ज्यादातर बच्चे डरते हैं, तो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। तो यहां पर जरा चेक करें, यहां पर टोटल कितने बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, और यहां पर जरा चेक करते हैं कितने बच्चों ने रैंक बनाया है। तो ओके, हानिया फास्टेस्ट है, उसके बाद है अनमोल, फिर है करीना, फिर उसके बाद करण गुप्ता, रिबिट, यूनिकॉर्न, अथर्व, नाइस, रंजन निराला, क्रॉक, उसके बाद रोनाल्डो। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं, ध्यान से जवाब देना, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा चेक करते हैं। अगला सवाल जवाब जरूर दो, फायदा क्या है नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या खुशबू है, कहता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन डज रिप्रेजेंट द क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर। बहुत बढ़िया सवाल है, और ज्यादातर बच्चों का इसमें बैंड बज जाता है जबकि कुछ है नहीं। सवाल को ध्यान से पढ़ना और जवाब देना, देख कितने लोग आंसर करते हैं। दूसरा सवाल है ये, देखें यहां पर कितने लोग आंसर करते हैं, तो यहां पर आंसर एक्चुअली सिर्फ 111 बच्चों ने करेक्ट दिया है। यहां पर फिर से आप गलती कर गए, कैसे आया मैं आपको समझाता हूं, जरा आप उसको चेक करना, ठीक है, कहां गलती करी, कैसे आया ये आंसर वो मैं आप लोगों को समझाता हूं।
सबसे पहले तो देखो आप लोगों को मैं यहां पर एक बार एक नया स्लाइड ले लेता हूं, ठीक है, जिससे हम लोग कम से कम सॉल्यूशन तो कर सकें। न्यू स्लाइड एंटर कर लेते हैं। चलो तो अब मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूं। चलो सो फाइनली कहां गया वो स्लाइड? मैं स्लाइड ओपन कर रहा हूं, कहीं जाने का नहीं, यहीं रहने का, ठीक है। ये सारा थ्योरी अगर आपको चाहिए तो आप क्या करना, मुझे एक बार इंस्टाग्राम पे पिंग कर देना, तो मैं आपको समझा रहा हूं। जरा आप चेक करो यहां पर ये सॉल्यूशन आया तो आया कैसे, ठीक है। तो जरा आप चेक करो, आपको सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जो कि आपके क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, सही है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के केस में। सबसे पहले आप फॉर्मूला बताओ, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज डेल्टा टी एफ विच इज इक्वल टू के एफ इन टू एम। अब अगर आप देखो, आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट सीधे सीधे के एफ के बराबर होना चाहिए, यही वो बात बोल रहा है कि ये इसको रिप्रेजेंट कब करेगा, जब डेल्टा टी एफ का वैल्यू किसके बराबर होगा, के एफ के। उस केस में एम का वैल्यू कितना होना चाहिए? वन। आपको एम का वैल्यू वन निकालना था, किसमें आ रहा है? एम माने मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होता है? दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मोल कैसे निकालते हो? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और नीचे क्या करते हो आप? नीचे यहां पर मल्टीप्लाई करते हो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। चलो तो अब मोलैलिटी किसकी वन है, सिर्फ ये चेक करना है, क्योंकि जब मोलैलिटी वन होगी जब ही आपका क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट डेल्टा टी एफ के बराबर होगा, यही तो सवाल पूछा है। तो आप देखो यहां पर चौथे ऑप्शन का आंसर क्यों है, क्योंकि 59 ग्राम्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 9 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। जरा आप चेक करना, वो कहता है मोलर मास किसका आएगा? सोल्यूट का। आपको सोल्यूट कौन दे रखा है, जरा आप चेक करो, ये है आपके पास ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180। यहां पर सॉल्वेंट का वेट कितना है? 50। वो ग्राम में, उसको किस में कन्वर्ट करोगे? केजी में। अब आप एम की वैल्यू कैलकुलेट करो, यहां पर एक जीरो से ये एक जीरो, ये कट गया दो जीरो। 9 एकम 9, 9 दुनी 18, सही है। यहां पर 5 दुनी 10 और ये 10 कट गया। m का वैल्यू कितना आ रहा है? 1। तो यहां पर m का वैल्यू 1 आ रहा है, और m का वैल्यू सिर्फ चौथे ऑप्शन में 1 था और कहीं भी 1 नहीं था। आंसर इसका यही बनना था। और कई बच्चे तो सॉल्यूशन देखने की वो भी नहीं करते कि सॉल्यूशन देख ले कैसे आएगा, भाग जाते हैं बस। तो अब अगले सवाल को देखो, उससे पहले अपन एक बार रिजल्ट चेक कर लेते हैं कितने बच्चों ने यहां पर फोड़ा है। 526 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, जिसमें से करण गुप्ता टॉप पे नजर आ रहा है क्या? नहीं। भाग कोरोना भाग, ये फास्टेस्ट भाग कोरोना भाग टॉप पे, करण गुप्ता सेकंड पे, उसके बाद रोनाल्ड, उसके बाद यहां पर पायल, शुभांगी, जीत, क्रॉक, अमीशा, आकांक्षा एंड अक्षर पटेल, आकाश पटेल। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना, अगर आप अभी खेलना चाहते हैं तो menti.com पे चले जाइए, 695421 कोड लगाइए और आ जाइए हमारे साथ खेलने के लिए। तीसरा सवाल, व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट रेज, फीडिंग फ्रीजिंग पॉइंट लोवर्ड, फ्रीजिंग पॉइंट डज नॉट चेंज, बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट चेंज। डज नॉट चेंज वाला तो सीन ही नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा या कम होगा उस पर से सवाल है। अगर आपने मर्क्यूरी को डाल दिया तो मर्क्यूरी को डालते ही वो कंबाइन होके सोल्यूट की क्वांटिटी को कम कर देता है, जिससे डेल्टा टीएफ की वैल्यू कम होती है और टीएफ का वैल्यू बढ़ता है। आंसर इसका मेरे ख्याल से ए आना चाहिए, लेकिन यहां पर सिर्फ 128 बच्चे जिन्होंने सही आंसर दिया, नलायकों। अब इसको चेक करो कैसे आया। मैं कह रहा हूं आप लोगों को सवाल नहीं आते, लेकिन नहीं, हमें केमिस्ट्री थोड़ी करनी है, हमें केमिस्ट्री में नंबर ही नहीं बनाने, गलती हो गई ना। आपको मैं समझाता हूं, पहले तो मर्क्यूरिक आयोडाइड का फॉर्मूला होता है HgI2। जब ये Ki से रिएक्शन करता है तो पता है क्या बनाता है? ये दो Ki से रिएक्शन करके ये कंबाइन हो जाता है बजाय टूटने के, ये बनाता है HgI4-2। अब ये क्या हुआ, ये एसोसिएशन का केस हो गया। एसोसिएशन का मतलब आपने जितना डाला उससे भी सोल्यूट की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम। अगर सोल्यूट की क्वांटिटी कम हुई तो डेल्टा टी एफ, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? सोल्यूट की क्वांटिटी पे। अगर सोल्यूट की क्वांटिटी कम होगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू घटेगा। अब आप लोग याद रखो, जब भी डेल्टा टी एफ का वैल्यू घटता है तो टी एफ का वैल्यू हमेशा बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता है। ये नोट डाउन करो अपनी कॉपी के अंदर, डेल्टा टी एफ इज एंटी प्रोपोर्शनल टू टी एफ।
जब डेल्टा टीएफ की वैल्यू घटेगी तो टीएफ का वैल्यू बढ़ता है। प्लीज आप इसको नोट डाउन करो, मैंने आपसे पहले आंसर दे दिया था, हालांकि मेरे को तो देना ही था। 128 बच्चे जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया, जिन्होंने बुद्धि लगाई, बाकी सब लोगों ने गलत लिखा। रिजल्ट को चेक करते हैं, इसलिए कहता हूं ध्यान से देखो, सिर्फ बायो करके नंबर नहीं आएंगे, आपको केमिस्ट्री फिजिक्स भी बराबर करनी पड़ेगी। इनको कॉन्सेप्ट को लिख लो, काम आएगा। 574 बच्चे यहां पर खेले, जिसमें से भाग करो ना भाग अभी भी टॉप पे है, फिर सिम्बा, फिर यहां पर गौरव द हसलर, यूनिकॉर्न, पुकुल लव अरविंद सर, लव यू बेटा, मृणाल, सुरभि, यहां पर व्यंगलाटेश एंड पायल, भाई बड़े अजीब से नाम है। अगले सवाल पर गौर करो, देख कितने लोग जवाब देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो जरा, मैं थोड़ी सी खुशबू ले लेता हूं। कहता है आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन इट्स कंपोनेंट्स, आइडियल सॉल्यूशन कब बनता है जब इनके कंपोनेंट क्या हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से ऑप्शन पढ़ना है, ऐसे बेवकूफों के जैसे आंसर मत करना। आप सोच रहे हो मैं कॉफी चाय पी रहा हूं, नहीं मैं खुशबू ले रहा हूं। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन एंथैल्पी। 270, थैंक गॉड इज्जत रख ली तुम लोगों ने, इज्जत रख ली। आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जहां पर डेल्टा टी एच का वैल्यू भी क्या होता है, मिक्सर के लिए जीरो, डेल्टा वी का वैल्यू भी मिक्सर के लिए क्या होता है, जीरो, याद है। यस, तो आंसर यहां पर 293 बच्चों ने करेक्ट दिया है, अभी इस बार तुमने इज्जत रख ली, बहुत बढ़िया। अभी ध्यान से आंसर देना बाकी क्वेश्चन का। 600 बच्चे यहां पर मेंटी पे खेल रहे हैं, अगर आप अभी भी खेलना चाहते तो मेंटी पे जाइए, 69 54 21 कोड लगाइए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सॉल्यूशन जरूर देखने आया करो, नहीं तो सवाल रह जाएंगे। भाग करो ना भाग टॉप पे, सिम्बा, यूनिकॉर्न, यासिन, शुभांगी, जीत, तृप्ति, अमीशा, थॉमस, आकाश, पटेल। चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं, ध्यान से जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा आप चेक करो, अगला सवाल आंसर दो। कहते हैं एजोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स हैज अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन ईदर ऑफ देम। बॉइलिंग पॉइंट किसी का अपने दोनों, किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट से कम आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है, मतलब कम बॉइलिंग पॉइंट पे वो बॉइल होता जा रहा है। तो आपको निकालना है बुद्धि लगा के कि वो किसको शो कर रहा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है वो किसको शो कर रहा है, क्या वो नेगेटिवली डेविएटेड है, क्या वो पॉजिटिवली डेविएटेड है, ठीक है, शो नो डेविएशन और इन सैचुरेशन। बहुत सिंपल सवाल है, बुद्धि हो तो आंसर दे दोगे। कितने बच्चों ने दिया, मेरे ख्याल से पॉजिटिव आना था, 239 बच्चों ने ही आंसर दिया। मैं आपको समझाता हूं कैसे, जरा आप समझो, बुद्धि लगाते तो पक्का आंसर कहते हैं। अब आप ये सोचते हो यहां पर बैठ के कि हमें तो एजियोट्रॉपिक आता ही नहीं है, एजियोट्रॉपिक आना इसके लिए जरूरी भी नहीं था। आपसे कहता है कि आपने क्या किया, ये देखो, ये मान लो कि सॉल्यूट है, ये मान लो कि सॉल्वेंट है। अब आपने क्या किया, इन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया, ये सॉल्यूशन है। कहता है इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो डाउन हो गया, यही तो कह रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, इसका मतलब कम बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल हो रहा है, कम बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन के अंदर जो ए पार्टिकल और बी पार्टिकल है उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से टेम्परेचर कम है, आसानी से वो ब्रेक हो जाता है और आसानी से वो वेपर बन जाता है, इसीलिए तो कहा है कि कम टेम्परेचर पे यानी कि कम बॉइलिंग पॉइंट पे वो बॉइल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी कम टेम्परेचर पे ही वेपर प्रेशर ज्यादा बन रही है। अगर कम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज्यादा बन रही है तो रोल्ट का अगर ये ग्राफ आता है तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगी तो पॉजिटिव डेविएटेड बनेगा ना। अब इसको और समझो, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, आप लिख लो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट डाउन होती है वो पॉजिटिवली डेविएटेड होता है, लिख लो, और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है वो नेगेटिवली डेविएटेड होता है, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है वो ऊपर की तरफ होता है उसका ग्राफ, और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है उसका ग्राफ नीचे की तरफ होता है। दिमाग लगाओगे तो आंसर निकाल लोगे। अब हम चलते हैं रिजल्ट की तरफ, कितने बच्चे यहां पर खेल रहे लेते हैं जरा हम चेक करें। आह,
तो 626 बच्चों में से ये बच्चे हैं जिन्होंने यहां पर कुछ फोड़ा फाड़ी की है। भाग मिल्खा, भाग कोरोना भाग, फासिस सिम्बा, उसके बाद शुभांगी अग्रवाल, सकुरा प्रियांशु, आदर्श थॉमस, सारिका चंदा गगन। चलो तो अब हम चलते आगे। 69 54 21 कोड है, अगर आप अभी भी खेलना चाहते हो तो ले लो, आ जाओ, सबक काम आएगा। चलो अगला सवाल, छठा सवाल, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। कहता है 0.004 कैपिटल एम Na2SO4 इज आइसोटोनिक विद 0.01 कैपिटल एम ग्लूकोज। आपसे कहता है कि दो सॉल्यूशन है जो आइसोटोनिक है, तो कहता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दो कितनी होती है Na2SO4 की। बहुत बेहतरीन सवाल है, अगर आपने कर दिया आपकी बल्ले बल्ले, आपने अगर कर दिया तो आपकी बल्ले बल्ले, बताओ आंसर क्या आएगा। बहुत अच्छा सवाल है, चलो 147 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया क्योंकि बाकी ने तो निकाला ही नहीं, सबने तुक्का मारा, बता तो अब कैसे है। कहता है 0.004 कैपिटल एम Na2SO4, 0.01 कैपिटल एम ग्लूकोज। अब आप याद करो आइसोटोनिक क्या होता है। आइसोटोनिक का मतलब होता है अगर कोई दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, इसका मतलब क्या हो गया, उनके पाई की वैल्यू सेम है, पाई वन इज इक्वल टू पाई टू, मैंने बताया था। यस, अब पाई का फॉर्मूला क्या होता है, पाई का फॉर्मूला होता है सीआरटी, और क्योंकि यहां पर आप दो सॉल्यूशन ले रहे हो, पहला वाला है, पहला वाला क्या है, पहले वाला है Na2SO4, पहले वाला है Na2SO4 और वो भी कितना 0.004। अब आपको पता है ना कि ये टूट जाता है, तो इसलिए यहां पर क्या लिखोगे फॉर्मूले में, I1 × C1 × R × T लिखा जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर आएगा। यहां पर दूसरे वाले के लिए क्या लिखोगे, I2 × C2 × R × T। अब RT से RT कैंसिल हो गया, कॉन्सेंट्रेशन तो अलग अलग है, और जो दूसरा सॉल्यूशन है वो ग्लूकोज का है, ग्लूकोज के सॉल्यूशन के लिए I का वैल्यू हमेशा 1 होता है क्योंकि वो तो टूटता ही नहीं है। तो यहां पर ग्लूकोज यानी I2 की वैल्यू कितनी है 1। अब आप फॉर्मूला रखो, I1 का वैल्यू निकालना है, C1 का वैल्यू दे रखा है 0.004 विच इज इक्वल्स टू, I2 का वैल्यू 1 है और C2 का वैल्यू कितना है, दैट इज 0.001। ये है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है दोनों वैल्यू। आपको वेंट ऑफ फैक्टर Na2SO4 के लिए निकालना है क्योंकि वहां से आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, Na2SO4 के लिए आपको I का वैल्यू निकालना है, तो वो मैंने I1 रख दिया और यहां पर इसकी वैल्यू 1 है, तो इस तरह से आप लोगों को कैलकुलेट करनी थी। यहां पर I1 का वैल्यू निकालो, I1 का वैल्यू कितना आएगा जरा आप चेक करो, I1 का वैल्यू आएगा 0.01/0.004। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, दैट इज 10/4। 10/4 का मतलब क्या हो गया, 2.5। अब देखो यहां पर 2.5 आई का वैल्यू है, आई डिसोसिएशन, क्योंकि वो टूटेगा अंदर जाके, डिसोसिएशन के आई का वैल्यू कितना होता है 1 - α + nα। आई का वैल्यू आपके पास कितना दे रखा है 2.5, वो किसके बराबर होगा 1 - α, अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है, प्लस एन का वैल्यू कितना होगा, जब ये तोड़ोगे इसको तो कैसे टूटेगा, ये दो सोडियम में टूटेगा और प्लस आपके पास एक SO4-2 देगा, तो टोटल 3 टुकड़े होंगे, तो एन का वैल्यू 3 है, 3 आयन मिलेंगे, तो 3α। तो यहां पर देखो ये कितना निकलता है 2.5 विच इज इक्वल टू 1 - α + 3α कितना होता है 1 + 2α, क्योंकि 3α में से अल्फा घटा दो तो 2α प्लस के बचेंगे। तो यहां पर ये अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है जरा चेक करो, दैट इज 2.5 में से बन गया 1.5, उसको 1.5 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.75। 0.75 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा, दैट इज 75%, परसेंट में निकालना था, तो आंसर इसका ए बनेगा, इस तरह से निकालना था, आप जरा चेक करो। तो फाइनली 147 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन था। जरा हम चेक करें यहां पर कितने बच्चों ने रैंक बनाया, 641 बच्चों में से एक कोरोना टॉपर है, सिम्बा नीचे चला जाएगा, नहीं तो भाग कोरोना भाग टॉप पे है, सिम्बा उसके बाद प्रियांशु सिंह, उसके बाद चंदा, अनमोल, पायल, मेधा, ओम, यहां पर मशरत एंड सारिका। अब चलते अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल चेक करो, देख कितने लोग आंसर करते हैं जरा देखें। सातवां सवाल, ड्यूरिंग डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इन अ सॉल्यूशन द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम।
जब फ्रीजिंग पॉइंट में डिफ्रेशन आता है तो इनमें से क्या इक्विलिब्रियम में होता है? ये सवाल अभी बताया था मैंने आपको, थ्योरी में करवाया था। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या इक्विलिब्रियम में होता है, देखा भी था आपने, सॉलिड और लिक्विड पर किसके? बस वही आंसर है इसका। देखिए कितने लोग आंसर करते हैं। ओके, आंसर आएगा इसका, 175 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, सॉल्वेंट के होते हैं। आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं, बहुत कम बच्चों को पता है ये बात। ये देखो वो पिछले सवाल का सॉल्यूशन था, अब हम आगे चल रहे हैं। यहां पर जब आप फ्रीजिंग पॉइंट निकालते हो तो यहां पर सॉल्वेंट का ही लिक्विड फॉर्म ये इक्विलिब्रियम में होता है, सॉल्वेंट के सॉलिड फॉर्म से। लिख लो, काम आएगा, आज गलती हुई है कल नहीं होनी चाहिए। तो आंसर 175 बच्चों ने करेक्ट दिया है। जरा हम लोग चेक कर लें यहां पर टोटल कितने ने पार्टिसिपेट किया, 655। फाइनली यहां पर भाग करो ना भाग टॉप पर है, फिर सिम्बा, चंदा, पायल, मशरत, मेधा, शुभांगी अग्रवाल, अभिषेक, जसमीत एंड ओम। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। बारिश आने लग गई यहां तो। आठवां सवाल कहता है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन एज डिटरमाइंड। ये मैंने आपसे कहा भी था कि डाइमराइज हो जाता है। इसका आंसर तो बेहद आसान है, सब बच्चों को देना चाहिए। बताओ आंसर क्या बनेगा। ओके, 249 बच्चों ने, क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा इसलिए कहा था थ्योरी में ध्यान दो। बेंजीन में बेंजोइक एसिड डाइमराइज हो जाता है, तो आंसर निकालना है इसका। भाग मिल्खा भाग करो ना भाग अभी टॉप पर ही है, उसके बाद सिम्बा, चंदा, पायल, सैयदा, उसके बाद शुभांगी, भालू, सकुरा, प्रियांशु एंड जतिन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना, नौवां सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, कहता है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलल, इक्विमोलल लिखा हुआ, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलल सॉल्यूशन ऑफ विल बी हाईएस्ट फोर। यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए सबसे ज्यादा होगा, जिसके लिए डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए कम होगा, जिसके लिए सोल्यूट की क्वांटिटी कम होगी, जो टूटेगा नहीं। इतना आसानी से सवाल का जवाब दे सकते हो, अगर बुद्धि है तो आंसर सही आएगा। ध्यान से देना जवाब। आंसर इसका डी होगा, कितने बच्चों ने दिया है, 555 नालायकों। आंसर इसका डी आएगा, ग्लूकोज। और ये क्यों हुआ जरा आप चेक करो, मैं आपको पहले ही बोला था। देखो आपसे पूछा गया कि फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट किसके लिए होगा, अगर आपको टीएफ का वैल्यू हाईएस्ट चाहिए तो डेल्टा टीएफ का वैल्यू क्या होना चाहिए, लोएस्ट। और डेल्टा टीएफ का वैल्यू डिपेंड करता है सोल्यूट की क्वांटिटी पे, जिसकी सोल्यूट की क्वांटिटी लोएस्ट होगी उसके लिए डेल्टा टीएफ का वैल्यू लोएस्ट होगा, उसके लिए टीएफ का वैल्यू हाईएस्ट होगा। तो यहां पर सिर्फ एक ग्लूकोज ही ऐसा है जो कि टूटेगा नहीं, बाकी सब टूटेंगे। तो आंसर इसका ग्लूकोज बनना था, क्योंकि ग्लूकोज नहीं टूटेगा। आप LiNO3 को पोलोगे तो ये भी चार में टूटेगा या तीन में टूटेगा, और पहले वाला दो में टूटेगा। तो यहां पर आप जरा चेक करो, इस तरह से सवालों के जवाब दिए जाते हैं। बी स्मार्ट बच्चों, ए चंदा, उसके बाद सैयदा, उसके बाद सिम्बा, प्रतीक्षा दास हमारी टॉपर वो भी आ चुकी है, चाणक्य, सारिका, ईशानी एंड यूनिकॉर्न। चलिए अब आखिरी सवाल है, अब देखते हैं कौन बाजी मारता है। आखिरी सवाल ध्यान से चेक करना। चलो देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 M एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट किसका कम होगा, जिसका डेल्टा टीएफ का वैल्यू ज्यादा होगा। डेल्टा टीएफ का वैल्यू ज्यादा किसके लिए होगा, जिसकी सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होगी। सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा किसमें होगी, जिसमें आप लोगों को नंबर ऑफ आयन ज्यादा मिलेंगे, टूटेगा ज्यादा वो। तो ग्लूकोज तो टूटता ही नहीं है, यूरिया भी नहीं टूटता। सोडियम क्लोराइड दो आयन देगा, पोटेशियम सल्फेट आपको तीन आयन देगा। मैं आपकी जगह होता तो मैं चुटकियों में आंसर दे देता इसका, और आंसर इसका ए बनेगा यहां पर। और नालायक बच्चों ने
153 बच्चों ने यहां पर आंसर दिया है सही। फिर से ग्लूकोज लिख रहे हो, उसका जस्ट अपोजिट सवाल था नाइन्थ का। मैं आपको फिर से कहता हूं, यहां पर टीएफ का वैल्यू लो पूछा था, तो इसका मतलब डेल्टा टीएफ का वैल्यू क्या होना चाहिए? हाई। डेल्टा टीएफ का वैल्यू हाई उसके लिए होगा जिसके लिए सोल्यूट की क्वांटिटी हाई होगी, और सोल्यूट की क्वांटिटी हाई होगी पोटेशियम सल्फेट के लिए, K2SO4 के लिए, क्योंकि यहां पर दो और एक तीन आयन मिलते हैं और कहीं भी नहीं है। तो आंसर आपका पोटेशियम सल्फेट बनना था, जो कि 153 बच्चों ने सही दिया। अब रैंक चेक कर लेते हैं, उसके बाद हमारा क्विज खत्म। अब फटाफट से रैंक चेक करते हैं भैया। देखो 676 बच्चों ने यहां पर टोटल पार्टिसिपेशन किया है, और ये भाग करो ना भाग यहां पे जीत चुका है भाई। बधाई हो भाग करो ना भाग, सब बच्चे एक बार इसको बधाई जरूर दो, क्योंकि देखो बच्चों इसने 676 बच्चों को बीट किया है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये बच्चे ने इतनी मेहनत की और ये ऑलमोस्ट टॉप पे बना ही रहा, तो इस बच्चे के लिए एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर लिखो यार। ये जो भी बच्चा है, एक तो हमारी सोसाइटी का भला चाहता है, क्योंकि इसका नाम ही है ये भाग करो ना भाग, ठीक है। सो इस बच्चे को कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर बोलो। किसने बोला? शीतल भट्ट ने सबसे पहले बोला, फिर किसने बोला? विनोद ने बोला, बाकी बच्चे क्यों नहीं बोलते? सौम्या ने बोला, यहां पर और किसने बोला? बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशन तो बोल दो बेचारे बच्चे को, ऐसा मत करो। हाँ बहुत अच्छे, तो फाइनली बहुत बहुत बधाई हो भाग करो ना भाग। तुम्हारा नाम तो हम बेटा जानते नहीं, लेकिन जो भी हो तुम बड़े प्यारे हो, ठीक है। अब गाइस फाइनली सॉल्यूशन चैप्टर भी हमने खत्म कर लिया, और अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर का अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा। आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे आपको क्या करना है, मुझे पिंग करना है, डायरेक्टली मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, मेरा आईडी अरविंदो टेरोरस, वहां पर मुझे आप पिंग जरूर करना, बोलना कि सर सॉल्यूशन का लिखा करो आपको क्या चाहिए। कई बच्चे तो लिखते ही नहीं है, सीधे लिख देते डीएम, मुझे क्या पता लगा क्या करोगे। वहां पर मैसेज करा करो, सर आपको मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो, बोलोगे तब समझ में आएगा। तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहां पर डायरेक्टली मैसेज करके बोलना, सर सॉल्यूशन चैप्टर की पीडीएफ दे दो, आई विल प्रोवाइड। इसके अलावा ये हमारा इंस्टाग्राम का ग्रुप है vdn.in/medicalv, इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, यहां पर बहुत बेनिफिट होगा आपको इन फ्यूचर भी। और गाय सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये हमारा चैनल है, हमारी फैमिली है, ठीक है। तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दैट इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके चलो गाइस, थैंक यू सो मच, दिस इज अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ, बाय बाय टाटा, सी यू, मिलते हैं अगले सेशन में, 2019 का नीट का पेपर सोल्व करेंगे। चलो गाइस बाय।